चलिए रुक कर लेंगे बड़ी खबर का। जहां दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। दरअसल सीएम केजरीवाल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी आरोपी बनाया गया है। दुर्गेश पाठक पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी आरोपी बनाया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। बता दें कि सीएम केजरीवाल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर भी इस बार गाज गिर सकती है। दरअसल सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें दुर्गेश पाठक पर शराब घोटाला में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर अब अंदेशा यही जताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक और विधायक दुर्गेश पाठक पर जल्द ही गाज गिर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रणय, शराब नीति घोटाला मामले में अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक यानी दुर्गेश पाठक को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक ये भी शामिल थे उस घोटाले में, तो अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर जल्द ही गाज गिरने की संभावना है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। कल सीबीआई ने फाइनल जो चार्जशीट है वो दायर की है और इस मामले में करीब 5 लोगों को अन्य आरोपी भी बनाया है, जिसमें दुर्गेश पाठक का भी नाम शामिल है। आरोप यह है कि दुर्गेश पाठक जिस वक्त ये कथित शराब घोटाला हुआ, जांच एजेंसी का कहना है कि वो गोवा के प्रभारी थे और पैसे के लेन देन के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। साथ ही में जिस तरीके से इस पूरी पॉलिसी के जरिए पैसे को इकट्ठा किया गया और उसे गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया, इसकी भी जानकारी पूरी दुर्गेश पाठक के पास मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी आरोपी बनाया गया है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ अगली कार्रवाई दुर्गेश पाठक के खिलाफ देखने को मिलती है।